आज एक नई जगह, लाइक 50 साल पुरानी जगह है, 3 years old। आप देख सकते हो शॉप भी कितनी पुरानी है, मतलब उस हिसाब से दिखता ही है। छोटी सी शॉप है लेकिन जितनी पुरानी है उतनी अच्छी क्वालिटी निकल के आती है। ठक्कर नाश्ता हाउस, ये शॉप, ये तीसरी पीढ़ी है, तीसरी पीढ़ी है। उनके ग्रैंडफादर दादा ने शुरुआत की थी, और उसके अंदर कमन का शुरुआत मेरा दादा ने किया। इनके जो ग्रैंडफादर है उनकी फोटो दिखा दो। 100 ओ, ये इनका फोटो है, पिता श्री लक्ष्मी दास जादव जी। उनके ग्रैंडफादर ने भरूच ओल्ड सिटी में खमन जो है उनकी शुरुआत उन्होंने की थी। आज पहली बार आए जी अंकल। देखो अंकल बोल रहे हैं पहली बार आए, तो इससे समझना, सालों से आ रहा हूँ, हमारा पड़ोसी भी है। देखो इससे समझना चाहिए कि जोक ऑफ द पार्ट कितने सालों से आ रही है। हाँ, बहुत साल से आ रहे हैं, डब्बा लेके पहले बेचते थे। ओके, मतलब इनके दादा को आप जानते हो? हाँ जानते हैं, वो दादा दादी पूरा परिवार सबको, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर जिन्होंने खमन की शुरुआत की, हाँ। ये दादा मतलब उनको जानते हैं, तब से जानते हैं। शॉप ना पता पर सही है, इस शॉप को 50 years, लाइक 50 years कम्प्लीट हुए हैं। मतलब आप देख सकते हो कितना पुराना स्वाद है यहाँ पे। प्रवीण भाई ठक्कर और ये नमस्ते, 83 years दादा को हो गए और अभी भी शॉप संभालते हैं, तो बहुत ही लाइक इंस्पिरेशन है मेरे लिए भी कि हम लोग जैसे अभी यूथ कमज़ोर हो जाते हैं और ये 83 years में भी तो ये संभाल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल देख सकते हो ये कचौरी, पेटिस और सेव खमनी, और ये यहाँ की फेमस चटनी। हर एक चीज़ के अंदर यही एक फेमस चीज़ है कि यहाँ पे आपको ऐसी चटनी कहीं पे नहीं मिलेगी। हाँ, पूरे भरूच में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ऐसी चटनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आप स्पेशल ये चटनी खाने के लिए आते हो? स्पेशली हम लोग यहाँ पे चटनी के लिए आते हैं, हर सीजन में अलग अलग चटनी बनाते हैं। गाजर आती है तो गाजर, ओके, काकड़ी आती है तो काकड़ी। ओके, उनका कहना है कि हर सीजन वाइज, सीजनल वाइज जो अवेलेबिलिटी रहती है उस हिसाब से वो चटनी बनाते हैं। जैसे कैरेट, गाजर, कच्ची कैरी के सीजन आते हैं, कच्ची कैरी और ककुम्बर, काकड़ी, तोतापुरी कैरी जो आती है उसकी भी चटनी बनाते हैं। तो सीजन वाइज फ्रेशली आपको मेड चटनी मिलती है। अभी जैसे मैं अक्षय जी बता रहे कि वो स्पेशली चटनी खाने के लिए आते हैं, तो मैं पहले तो थोड़ा चटनी टेस्ट करूँगा। पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द चटनी, दिखने में ग्रीनरी, मतलब अभी जो है वो सीजन वाइज ककुम्बर है, उसके जो बीज भी अंदर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो नेचुरल चटनी है। फर्स्ट ट्राई विद द ककुम्बर चटनी, जैसे फर्स्ट बाइट लिया ना मैंने, खट्टा मीठा टेस्ट जो आ रहा है ना उससे वो चटनी, सच में अक्षय जी आप जो बता रहे हैं कि चटनी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मेनली कहीं पर भी चटनी में कलर्स ऐड किया जाता है या फिर सिंथेटिक प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेशली ककुम्बर है, ककड़ी, और थोड़ा सा ये जो खमन है उसका भी वो चूरा करके वो अंदर मिक्स करते हैं, और खट्टा मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। लेट्स जंप कचौरी, देख सकते हो कचौरी जैसे मैंने ब्रेक किया, लीलवाना कचौरी जैसे मैंने ब्रेक किया, अंदर जो देख रहे थे आप ग्रीन स्टफिंग, ये जो ग्रीन स्टफिंग है वो मतलब लोकली गुजराती में तुवेर शिंग बोलते हैं, तो ट्राई विथ, मैं ऐसे पहले टेस्ट करूँगा, बहुत ही अच्छी है, एक खासियत बहुत अच्छी है यहाँ की, जैसे मैं फर्स्ट कचौरी बहुत ही अच्छी है, मैंने बहुत जगह पे खाई है लेकिन चटनी के साथ तो और बेहतरीन। बाहर की जो लेयर है ना क्रंची क्रंची, और अंदर की जो स्टफिंग ग्रीनरी, जो ग्रीन वाली जो स्टफिंग है ना, बहुत ही अच्छी। आपने सेव खमनी बहुत जगह पे खाई, बट यहाँ पे जो पुराना टेस्ट है, जो 50 सालों से आपको यहाँ पे जो टेस्ट मिल रहा है वो सेम एज इट इज टेस्ट है, और उसके साथ में आप चटनी के साथ खाओगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आपको रहेगा, बिकॉज उनका टेस्ट जो है वो चटनी के अंदर ही है, ओके, एकदम नेचुरल टेस्ट। यस, यहाँ पे इसके लिए आप ज़रूर से एक बार मुलाकात कीजिए और पुराना टेस्ट आप यहाँ पे लीजिए, बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराना शॉप है यहाँ पे। सेव खमनी आप देख सकते हो, कोकोनट श्रेडेड, थोड़ी सी सेव, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब
हर चीज में जैसे जो भी बाइट ले रहा हूँ ना, पुरानी चीज जैसे इतनी पुरानी होती जाती है ना, उतनी अच्छी खिलके आती है। तो सच में वही क्वालिटी बरकरार है अभी भी। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ पेटीज का जो स्टफिंग, ओके ओके, ऊपर का स्टफिंग जो है वो आलू है पोटैटो, और अंदर जो है कोकोनट, कोकोनट का स्टफिंग है। प्याज और लहसुन दोनों कुछ भी नहीं डालते इसके अंदर। ओके, नो ऑनियन नो गार्लिक, सब कुछ ऐसा ही टेस्ट लाता है, प्योर टेस्ट। अभी अभी उन्होंने बताया ऑनर ने कि ये जो भी मतलब फूड है, पेटीज, कचोरी, खमंड, सेव खमनी, नो गार्लिक नो ऑनियन, उसके बावजूद भी इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है। मुझे एक्चुअली पहले लगा कि मतलब थोड़ा सा गार्लिक ही उन्होंने ऐड किया होगा, इसकी वजह से और रहना सोला, लेकिन उसके बिना इतना टेस्ट आ रहा है, तो ये बोनस पॉइंट हो गया मेरे लिए। आलू एंड कोकोनट स्टफिंग, पेटीज, सेव खमनी से पूरा अलग टेस्ट। इसमें वो जिसमें जो खट्टा मीठा वाला जो टेस्ट था ना, वो नहीं है, लेकिन इसका ही अपना एक कोकोनट की वजह से बहुत ही उभर के टेस्ट आ रहा है। और ये खाने के बाद मुझे पता चल रहा है कि ओके, इसमें ओनियन और गार्लिक नहीं है, ऑनर ने बताया इसलिए तो पता चला, लेकिन टेस्ट करने के बाद ये पता चला, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छी है ये चटनी, इज सो गुड। बहुत ही अमीर चटनी है, एकदम नेचुरल चटनी, वाकई बहुत अच्छी है। चटनी के साथ पेटीज का टेस्ट पूरा चेंज हो गया है। सिंपल सा मैं एक सिंपल खमन मैं चटनी के साथ जाना चाहूँगा। ये चटनी इज़ रियली गुड। ये तीनों चीज़ ना एक अलग नेक्स्ट लेवल की है। और एक सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे लगी, हम लोगों ने 2 से 3 बार ये चटनी हम लोगों ने मांगी, उन्हें आप चटनी जितना भी खाओ वो मना नहीं कर रहे हैं, तो यही सबसे अच्छी बात होती है कि जितने पुराने लोग होते हैं ना, बहुत ही दिलदार होते हैं। ठक्कर कमन हाउस, मस्ट ट्राई। आपको मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख सकते हो। पूरा खा गए हम लोग, इतनी अच्छी 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 क्वालिटी। तो गाइस प्लीज आइए, देखिए, जाइए, खाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलते हैं अगली जर्नी में। फिलहाल के लिए 50 इयर्स ओल्ड पेटीज, कचोरी, सेव खमनी, और दादाजी के लिए आप प्रार्थना कीजिए, जहाँ पे भी हो सुखी रहे।